एक मूवी को लेकर नेगेटिविटी जब पॉप कल्चर के बाहर के ऑडियंस तक चला जाता है तब उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना बहुत ही इम्पॉसिबल लगता है। बट उस बात को बहुत हद तक गलत साबित कर रहा है आदिपुरुष मूवी के मार्केटिंग टीम। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम्हारी एक थॉट को बाहर निकाल देना चाहता हूं। वह है भाई 2022 में जो तुमने आदिपुरुष का टीजर देखा था और उसमें जो नेगेटिविटी क्रिएट हुआ था सिर्फ इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए तुम उस नेगेटिविटी को थोड़ा सा इग्नोर करके चलना। अब एक पॉजिटिव माइंडसेट से वीडियो को शुरू करते हैं। 2023 यानी आज से लगभग एक महीने पहले एक पोस्टर रिलीज हुआ था। वो पोस्टर ऑडियंस का अटेंशन तो ग्रैब किया था बट उस पोस्टर में वैसा कुछ नहीं था। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे घर पे राम भगवान के जिस फोटो को हम हर वक्त पूजा करते हैं उसी का एक इंस्पिरेशन था वो पोस्टर। बट भाई साहब नेगेटिविटी उस पोस्टर के द्वारा कम नहीं हुआ। नेक्स्ट हनुमान जयंती के दिन उन्होंने फिर से एक न्यू पोस्टर रिलीज किया जिसमें भगवान हनुमान जी तपस्या कर रहे हैं। उस पोस्टर को ब्रेक डाउन करते हुए मैंने एक वीडियो बनाया था, तुम चेकआउट जरूर कर सकते। बट भाई ये चीज कहना पड़ेगा कि उस पोस्टर से ऑडियंस के मन में एक छोटा सा पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर क्रिएट हुआ था। फिर जाके उस पॉजिटिव इंपैक्ट को आदिपुरुष टीम ने एक मोटिवेशन की तरह कंज्यूम करके 22 अप्रैल को एक मोशन पोस्टर ड्रॉप किया। जिस मोशन पोस्टर को देखने के बाद मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि पिछले वाला पॉजिटिव इंपैक्ट और भी स्ट्रांग हो जाता है और बहुत सारे लोगों ने उस मोशन पोस्टर के ऊपर बात करते हुए बहुत सारे पॉजिटिव बातें भी कहा था। ऑडियंस ने उस पोस्टर के बैकग्राउंड स्कोर का खूब तारीफ किया था। साथ में हमारे राम भगवान जी यानी प्रभास के लक्ष्य भेद करने के आर्ट भी लोगों को बहुत पसंद आया था। मैंने भी उस पोस्टर में बहुत सारे पॉजिटिव चीजें नोटिस किया था और उस पोस्टर का ब्रेकडाउन भी किया था, चाहे तुम चेकआउट कर भी सकते हो। बट भाई सॉरी, मैं सबसे ज्यादा हैरान हो गया आज के पोस्टर को देखकर। भाई साहब सच में इन्होंने सरप्राइज कर दिया यार। आज उन्होंने सीता नवमी के अवसर पे जानकी एके सीता मैया के एक न्यू पोस्टर को इन्होंने रिवील किया। जिस रोल को प्ले कर रहे हैं तुम जानते हो, बॉलीवुड के कृति सैनन। बट एक सच बताऊं, पोस्टर यार मुझे सच में बहुत पसंद आया। पहले मैं अपने बातों के द्वारा बीजीएम को जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा। संचित सर और परंपरा मैम ये दो ऐसे कपल्स हैं जिनके आवाज भाई साहब दिल तक जाता है। मैंने इनके बहुत सारे गानों को हेडफोन लगा के सुना है भाई, मुझे बहुत पसंद आता है। भाई इस मोशन पोस्टर के अंदर इको फ्रेंडली जो म्यूजिक प्ले होता है उसमें तो भाई मैं खो गया था। पिछले पोस्टर की तरह वही येलो बादल, बिजली गरजते हुए बादल के अंदर से हमारा माइंड सब्जेक्ट को ढूंढ रहा था और हमें वही एहसास मिल रहा था कि कुछ अब आने वाला है। फिर भाई बिजली गरजते हुए बादल के अंदर हमारे राम भगवान यानी प्रभास खड़े हुए हैं जो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और एक गॉडली विंग्स का वाइब भी दे रहा है। फिर जाके सीता मैया का रूप रिवील होता है। भाई नॉट ए आर्टिफिशियल पोस्टर, बहुत ज्यादा नेचुरल लग रहा है और उनके फेशियल एक्सप्रेशन भी बिल्कुल नेचुरली है और उनके आर्ट को भी मैं रेस्पेक्ट करना चाहूंगा। उसके बाद हमें सीता जी का और एक पोस्टर देखने को मिलता है क्लोजअप शॉट में, वो भी 100% नेचुरल और उनके आंख से एक बूंद पानी भी टपक रहा है और उनके आंख भी बहुत ज्यादा इमोशनल और लाल है। देखो भाई मैं एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर नहीं हूँ, फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि इनके आंखों का इमोशन बिल्कुल नेचुरल है। और एक चीज तुम गौर से नोटिस करना, क्लोजअप शॉट जब डिस्टेंस लेना शुरू करता है तब उनके आंखों का एक्सप्रेशन के साथ इमोशन भी चेंज हो रहा है और पोस्टर भाई और भी ज्यादा इमोशनल लगता है। और सीता मैया के हाथ में तुम इस अंगूठे को भी नोटिस कर सकते हो। तुमने रामायण पढ़ा होगा तो तुम जानते हो वही अंगूठा सीता मैया ने हनुमान जी को दिया हुआ था, किस लिए? राम को देने के लिए। फिर तुम उनके ठीक नीचे पहाड़ के किनारा में हमारे राम और लक्ष्मण को भी नोटिस कर सकते हो, क्योंकि भाई इन दोनों को इस पोस्टर में इंक्लूड करना डिजाइनर का बहुत ही क्रिएटिव काम में जरूर बोलूंगा। फिर जाके जोरों से बिजली गरजता है और हमें वो चीज फील करवा के जाता है कि कुछ देखा हम। फिर एक बहुत खूब बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ आदिपुरुष के लोगो बाहर आता है। यार ये लोगों ने इस पोस्टर को जिस तरीके से डिजाइन किया है मैं आदिपुरुष टीम को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहूंगा। बट भाई इस मूवी को रिलीज होने में बहुत दिन नहीं बचा है। पोस्टर रिलीज करके प्रमोशन करना तो अच्छी बात है बट लोगों की डिमांड इससे और भी ज्यादा है। इस पॉजिटिव माहौल में टीजर या ट्रेलर की सख्त जरूरत है, इसलिए भाई ज्यादा टाइम नहीं है, यही सही वक्त है कुछ बड़ा दिखाने का। भाई दिखा दो यार। देखो भाई मैं जबरदस्ती चाहूं तो इस पोस्टर के ऊपर जबरदस्ती उल्टा सीधा बक्के गाली गलाज देख के क्रिटिसाइज कर सकता था बट इन्होंने क्रिटिसाइज करने लगा कुछ छोड़ा ही नहीं। मूवी कार्टून बनेगा या एनीमे बनेगा ये मैं नहीं बोल सकता बट इस टाइम में जो आ रहा है वो चीज सही आ रहा है। देखो भाई ऐसी पोस्टर रिलीज करके सेफ खेलना अच्छी बात है बट मूवी में कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुआ तो भाई तुम्हें गालिब पढ़ने ही वाला है। सॉरी भाई, गालिब पढ़ने वाला है। भाई जून के अंदर बहुत सारे बैक टू बैक बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ के बहुत सारे मूवीज रिलीज होने वाले हैं और हर एक मूवी भाई जबरदस्त है, तो उनको कम्पीट करने के लिए आदिपुरुष को कुछ तो बेहतरीन दिखाना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है ये लोग कुछ बेहतरीन दिखा सकते हैं या नहीं? और हाँ, ये मोशन पोस्टर तुम्हें कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब किया तो क्या करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना क्योंकि वहां पर बहुत ही अच्छे खासे रील्स के साथ तुम्हारे और हमारे कनेक्शन बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।